ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल शाख सेडम के सदर जनाब अजीज अहमद खान ने सेडम तालुके की आवाम को कोरोना वायरस की जो गाइडलाइन हुकूमत कर्नाटक की तरफ से जारी किए गए हैं उस पर सख्ती से अमल करने की गुजारिश की है। इसके अलावा आपने सेडम की आवाम से महकमा पुलिस और सेडम एडमिनिस्ट्रेशन का तआवुन करने की भी बात कही है। लॉकडाउन के चलते हम लोगों ने अपने घर में अपने आप को बंद कर लिया। अब जैसा कि आप तमाम जानते हैं 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो नए गाइडलाइंस आए हैं 10 तारीख से 24 तारीख तक के लिए, तो इन गाइडलाइंस को जब तक आवाम ले पब्लिक इसको पालन नहीं करेगी, पब्लिक जो है इस पर अमल नहीं करेगी, ये भी पिछले जैसा लॉकडाउन गुजर गया है उन लॉकडाउन में पेशेंट्स में किसी किस्म की कोई कमी देखने को नहीं आई, तो ये भी जो लॉकडाउन अभी आज से 10 तारीख से लेकर जो 24 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा अगर उसी तरह से रहा तो मुमकिन है ये भी उतना सक्सेस नहीं जाएगा। तो मैं तमाम अवाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट भी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और हुकूमत का साथ दें, प्रशासन का साथ दें, पुलिस का साथ दें, हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ दें, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें और सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा ये है कि कोई भी कवानीन को नाफिस करने के लिए जो ऑर्डर्स आते हैं वो जब तक पब्लिक उसको सख्ती से अपने ऊपर लागू नहीं करती है तब तक वो सक्सेस नहीं होता। तो मैं अवाम से गुजारिश करता हूँ कि जो है हम इसको सख्ती से पाबंदी करें, इन गाइडलाइंस का सख्ती से पाबंदी करें। जहाँ तक छूट की बात है सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सुबह के टाइम जो एसेंशियल सर्विस के लिए जो छूट दी गई है तो उसमें हम फौरन अपने घर से कोई ज़रूरी चीज़ लेनी है, तरकारी है, किराना है, दूध है, फ्रूट है, ये चीज़ें लेनी है तो सुबह हम जल्दी घर से निकल जाएं और फौरन लेकर अपने घर वापस आएं। पर ख्याल रहे कि हम घर से निकलते वक्त अपने मास्क को अपने चेहरे पर लगा कर जाएं और फौरन घर आते ही मास्क को निकालने से पहले अपने हाथ धोकर उस मास्क को निकाला जाए। और जहाँ तक हो सके हम पुलिस महकमे का साथ दें क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको इन गाइडलाइंस को आवाम को जो है पाबंदी करवाई जाए। पर मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो हुकूमत का साथ दें और पुलिस महकमे का और हेल्थ सेक्टर का साथ दें। और मैं साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट से और पुलिस महकमे से भी गुजारिश करता हूँ कि वो सख्ती करें। सख्ती से मुझे इतराज़ नहीं है, सख्ती करें तो सख्ती का मतलब ये नहीं कि आवाम को मारा जाए, पीटा जाए, बल्कि इससे थोड़ा बचे रहें क्योंकि आज आवाम में जो फाइनेंशियली हालांकि पिछले दिनों में जो है लॉकडाउन हुए हैं लोग फाइनेंशियली बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, ख़ास तौर पर रोज़ जो है डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग और जो है नौकरी करने वाले प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फाइनेंशियली परेशान हैं। इन्हें मार कर, इन्हें पीट कर और परेशान ना किया जाए, बल्कि आज जो हालात देश में और स्टेट में हो रहे हैं देखने को आ रहे हैं लोग खौफ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इन्हें और सख्ती यानी कि सख्ती का मतलब मार कर या पीट कर इन्हें परेशान ना किया जाए बल्कि इन्हें सख्ती की जाए। सख्ती से इतराज़ नहीं, जब तक कोई भी चीज़ सख्ती से सख्त नहीं की जाए तब तक वो चीज़ पर पाबंदी होना थोड़ा मुश्किल ही होता है। पर जहाँ तक हो सके लोगों को समझा कर बुझा कर जो है आप उनको सख्ती करवाने की तरफ, उन्हें जो है गाइडलाइंस की पाबंदी करने की तरफ भरा जाए, ना कि उन्हें मारा और पीटा जाए। मैं हुकूमत से और जो है पुलिस प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से ख़ास तौर पर गुजारिश करता हूँ कि अवाम ऑलरेडी खौफ और दहशत में है, आप उन्हें मार कर उन्हें पीट कर और ज़्यादा परेशान मत कीजिए, सख्ती करिए, सख्ती जितना हो सकता सख्ती कीजिए। पर सख्ती का मतलब ये नहीं कि उन्हें मारा जाए पीटा जाए। तो मैं गुजारिश करता हूँ ख़ास तौर पर पुलिस महकमे से, हम उनका बहुत ज़्यादा
शुक्रिया अदा करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। मैं तमाम अवाम से, ख़ासतौर पर अवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, अपने आप को जो है महफूज रखें, अपने बच्चों के लिए वक्त दें, अपनी फैमिलीज के लिए वक्त दें और जो है हुकूमत का साथ दें और जहाँ तक हो सके हम अवाम की खिदमत करें। इंसानियत के लिए आगे आएँ, देश के लिए आगे आएँ, स्टेट के लिए आगे आएँ। बस मैं इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।